मूड बना चुके हैं 2023 में गाड़ी लेने का और कंफ्यूज है कौन सी वाली गाड़ी लेनी चाहिए, तो आपका जो कंफ्यूजन है इसी वीडियो में दूर होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 1.3 गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, बुलेरो पिकअप कमर्शियल व्हीकल माल ढोने के लिए कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कौन सी वाली गाड़ी लेनी चाहिए, तो सब कुछ मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर आपको 1.3T गाड़ी लेनी है और आप नॉन एसी वाली लेने की सोच रहे हैं या एसी वाली चाहिए आपको, दोनों गाड़ियों में से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूं आपको जो गाड़ी है कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है। 1.3 आपको एसी वाली लेनी चाहिए या बगैर एसी वाली लेनी चाहिए, एसी वाली का क्या माइलेज है और नॉन एसी वाली का क्या माइलेज है, सब कुछ इसी वीडियो में बता देता हूं दोस्तों। अगर आप 1.3 एसी वाली गाड़ी लेते हैं तो आपको 2023 में मार्च अप्रैल के महीने में 10,10,000 रुपए की गाड़ी पड़ रही है, सारे खर्चे ऐड करने के बाद ऑन रोड जो पड़ रही है गाड़ी 10,10,000 रुपए की पड़ रही है। और अगर आप नॉन एसी वाली गाड़ी लेते हैं आपको, तो वो गाड़ी ये वाली नॉन एसी वाली गाड़ी जो लेते हैं आप जिसमें एसी नहीं है, इस वाली गाड़ी में एसी नहीं है दोस्तों, अगर आप ये वाली गाड़ी लेते हैं तो आपको ये 9,80,000 रुपए की पड़ेगी मार्च अप्रैल के महीने में। 2023 मॉडल अगर आप गाड़ी लेते हैं तो ये वाली गाड़ी आप देख सकते हैं, ये आपको 9,80,000 रुपए की पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट मिलेंगे आपको 9,80,000 रुपए में ऑन रोड। 9,80,000 रुपए की नॉन एसी वाली पड़ रही है दोस्तों, इसमें आपको एक साल का इंश्योरेंस मिल रहा है, 2 साल की फिटनेस मिलेगी आपको इसमें और 2 साल का पोल्यूशन मिलेगा और जी 15 साल का इसमें टैक्स मिलेगा आपको, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ नॉन एसी वाली गाड़ी आपको 9,80,000 रुपए की पड़ रही है दोस्तों, 9,80,000 रुपए की पड़ेगी दोस्तों। अगर आप इस गाड़ी में 1,80,000 रुपए डाउन पेमेंट कर देते हैं, 8 लाख रुपए का लोन होगा दोस्तों आपका नॉन एसी वाली गाड़ी पर, 6.5% के हिसाब से अगर आपका 8 लाख रुपए का लोन होता है गाड़ी पर, तो 6.5% के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा दोस्तों 5 साल के लिए 2,60,000 रुपए का बनेगा, जो ईएमआई निकल कर आएगी वो 17,635 रुपए महीने की ईएमआई निकल आने वाली है दोस्तों। टोटल जो ब्याज लगेगा नॉन एसी वाली गाड़ी पर आपका 2,60,000 रुपए का ब्याज लगेगा। अगर आप मान लीजिए एसी वाली गाड़ी लेते हैं दोस्तों, तो 10,10,000 रुपए की ये गाड़ी आपको पड़ रही है एसी वाली। अगर आप एसी वाली गाड़ी में आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देते हैं दोस्तों, एसी वाली गाड़ी में अगर आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आपका लोन होगा 8,10,000 रुपए का गाड़ी पर, एसी वाली गाड़ी पर 8,10,000 का लोन होगा। 8,10,000 रुपए के लोन पर आपका जो टोटल ब्याज पड़ने वाला है दोस्तों, उसमें भी 2,60,000 रुपए, 2,62,000 रुपए तकरीबन इतना ही ब्याज बनेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी जो डाउन पेमेंट है उसमें 2 लाख रुपए हो जा रही है एसी वाली में। इस गाड़ी में अगर आप एसी वाली में 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 8,10,000 रुपए का लोन होने वाला है आपका 2023 में दोस्तों। 8,10,000 रुपए के लोन पर आपका 6.5% का ब्याज लगने वाला है। इसकी जो किस्त निकल कर आएगी, इसकी भी आपकी जो किस्त निकल कर आने वाली है दोस्तों 17,700 रुपए की तकरीबन इसकी किस्त निकल कर आने वाली है। कौन सी गाड़ी दोनों में से आपको लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी सही है, माइलेज किसका सही है, तो अगर आप एसी वाली गाड़ी लेते हैं दोस्तों, अब आपको एसी वाली गाड़ी अगर चाहिए, एसी वाली गाड़ी चेंजेस भी है काफी अच्छी है, एसी वाली गाड़ी का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है दोस्तों, जो एसी वाली है नॉन एसी वाली है दोनों गाड़ियों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। माइलेज की बात करें हम, एसी वाली का जो माइलेज है हमारे यहाँ दोस्तों, एसी वाली गाड़ी हमारी 13.3 का जो माइलेज है कंपनी क्लेम करती है एसी वाली गाड़ी में दोस्तों, 13.3 का माइलेज दे देती है। जो हमारी नॉन एसी वाली गाड़ी है दोस्तों 1.3, ये भी हमारी 14.3 का कंपनी क्लेम करती है माइलेज, 14.3 का ये भी दे देती है। 1 किलो का फर्क है, 1 किलोमीटर का फर्क पड़ता है दोस्तों, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एसी वाली गाड़ी आप ले सकते हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है आजकल, जब जरूरत पड़ती है तब उस टाइम चला लीजिएगा। एसी वाली गाड़ी सही है, इंजन पर भी कोई लोड नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं एसी वाली गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, इस इंजन पर लोड पड़ता है, माइलेज भी कम देता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 1 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, सिर्फ 1 किलोमीटर का फर्क कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फायदे एसी के ज्यादा है। गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, बैठा नहीं जाता है गाड़ी में, गाड़ी हीट होने लगती है। एसी गाड़ी में लगी होगी दोस्तों तो जरूरत पड़ने पर काम में आ सकती है। एसी वाली गाड़ी आप ले सकते हैं, मेरे हिसाब से एसी वाली गाड़ी काफी अच्छी है, काफी शानदार है। लुक वाइज भी अंदर से आप देख सकते हैं, आपको डिजिटल मीटर मिलेगा आपको ये वाला रो का, और काफी ज्यादा डैशबोर्ड जो है चेंजेस मिल जाएगा आपको, बाकी सब कुछ सेम मिलने वाला है दोस्तों। आपको इसमें बड़ी बड़ी हेडरेस्ट वाली सीटें मिलेंगी आपको पता ही है, जैसे कि प्राइस मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, 10,10,000 रुपए की एसी वाली है और 9,80,000 रुपए की नॉन एसी वाली है। ईएमआई के बारे में भी बता ही चुका हूँ दोस्तों, 6.5% का ब्याज चल रहा है आजकल मार्च अप्रैल के महीने में 2023 में। महिंद्रा वाले, महिंद्रा फाइनेंस वाले
6.5% का ब्याज लगा रहे हैं दोस्तों। अगर आप एसी वाली गाड़ी पर 6.5% का ब्याज लगाते हैं 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद, तो 8,10,000 रुपए का लोन हो जाता है आपका उस पर। 8,10,000 रुपए के लोन पर दोस्तों आपका जो 6.5% के ब्याज के हिसाब से आपका तकरीबन 2,62,000 रुपए का ब्याज पड़ता है 5 साल का। 2,62,000 रुपए का 5 साल के लिए आपका ब्याज बनता है दोस्तों। 60 किस्त आएंगी आपकी तकरीबन एसी वाली गाड़ी की 17,700 रुपए की। यदि आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो 17,700 रुपए की तकरीबन 800 रुपए तक, तकरीबन 18,000 रुपए तक की आपकी एसी वाली गाड़ी की किस्त आने वाली है दोस्तों, अगर आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो। अगर आप नॉन एसी वाली गाड़ी लेते हैं उसमें आप 1,80,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो 8 लाख रुपए का लोन हो जाएगा दोस्तों 6.5% के हिसाब से। उसमें भी दोस्तों आपकी 17,635 रुपए की महीने की किस्त निकल कर आने वाली है 5 साल की जो है। इसमें भी 2,60,000 रुपए का आपका ब्याज लगेगा नॉन एसी वाली में। तो कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है दोस्तों, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। आपको अगर मेरी बात समझ में आती है तो आप एसी वाली गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपको ड्राइवर पे चलानी है तो आप नॉन एसी वाली ले सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे जो ड्राइवर है एसी हर वक्त खुला रखेगा। आपको अगर अपने काम अपने हाथ से चलानी है तो आप एसी वाली गाड़ी ले लीजिए दोस्तों। एसी वाली गाड़ी का जो माइलेज है काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार माइलेज है। नॉन एसी वाली का भी सेम, दोनों का माइलेज है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1 किलोमीटर का फ़र्क है। एसी वाली जो गाड़ी है हमारी वो 1 किलोमीटर कम चलेगी, 1 लीटर तेल में वो चलेगी 13.13 किलोमीटर हमारी गाड़ी एसी वाली चलेगी दोस्तों। कंपनी क्लेम करती है इस चीज़ को। और जो नॉन एसी वाली गाड़ी है वो 14.3 किलोमीटर चलेगी दोस्तों 1 लीटर तेल में। दोनों ही गाड़ियों का सेम माइलेज है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। प्राइस भी दोनों गाड़ियों का सेम है। ये प्राइस मैंने उत्तर प्रदेश का बताया दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।